नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, बहुत से मरीज आजकल आ रहे हैं जो एक नशा लेके आते हैं। हमारे समाज में अभी अभी में इस नशे का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये है स्मैक का नशा। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। पंजाब और इस साइड जो राजस्थान का गंगानगर हनुमानगढ़ साइड वाला इलाका है, यहाँ पर चिट्टा भी बोला जाता है, जो एक मिश्री की डली के जैसा होता है। स्मैक जो होता है वो वाइट पाउडर के जैसा, जो टेलकम पाउडर होता है वैसा होता है। हेरोइन भी बोलते हैं इसको कुछ जगहों पे ब्राउन शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्मैक होती है वो तो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म होती है, प्योर होता है सबसे ज़्यादा, तो एकदम वाइट होता है। जितना ज़्यादा प्योर नशा उतना ज़्यादा वाइट, उसमें जितनी ज़्यादा अशुद्धियाँ मिला दी जाती है उसको सस्ता किया जाता है कुछ मिक्स करके उसके अंदर, तो वो ब्राउन हो जाता है, तो उसको कहते हैं ब्राउन शुगर। तो इस तरीके का नशा आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये नशा जो है, आज हम पता करते हैं कि लोगों को ये नशा कहाँ से मिल रहा है और ये लोग ये नशा क्यों कर रहे हैं, क्या इसका शरीर पर असर होता है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। दोस्तों, जो स्मैक जो होती है ये हमें जो मिलती है वो ओपियम प्लांट यानी अफीम के पौधे से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अफीम के पौधे का एक फल सा होता है, ऐसा सा फल लगता है उसके ऊपर, और उस फल के ऊपर जो है, जब फल पे लंबे लंबे कट्स लगाए जाते हैं। अफीम की खेती करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की भी ज़रूरत होती है और गवर्नमेंट द्वारा आंकलन भी किया जाता है कि कितना अफीम इससे प्राप्त होगा। तो उस पर लंबे कट्स लगाते हैं। लंबे कट्स लगाने के बाद इसमें सफ़ेद दूध निकलता है। ये दूध जब सूख जाता है तो काला सा पड़ जाता है, इसी को हम अफीम कहते हैं या काला सोना भी कहते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जब ये इतना नशे के लिए इस्तेमाल हो ही रहा है तो फिर सरकार इसको उगाने की इजाज़त ही क्यों देती है। दोस्तों, ये जो अफीम होता है, ये अफीम का पौधा जो होता है, इसके अंदर जो निकलता है ये दूध, इसमें कई तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें एक होता है मॉर्फीन, एक होता है कोडीन, इसके अलावा थिबेन वगैरह और कई भी कंपाउंड्स होते हैं। पर ये जो दो कंपाउंड्स हैं इनकी बहुत अच्छी औषधीय गुण होते हैं। मॉर्फीन जो है ये बहुत बढ़िया दर्द निवारक होता है, तो इसका उपयोग जो है बहुत से ऐसे बीमारियों में किया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है मरीज को, जैसे कैंसर पेशेंट है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, या किसी को हार्ट अटैक आया तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है सीने के अंदर, तो उस दर्द को मिटाने के लिए मेडिसिनल यूज है, औषधीय यूज किया जाता है। इसलिए इसकी खेती का लाइसेंस देती है गवर्नमेंट और उनसे वो अफीम लेती है, अफीम लेकर के दवाई बनाने की परमिशन देती है। कोडीन जो होती है ये खांसी की दवा में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पर होता क्या है, जितना गवर्नमेंट का आंकलन होता है उतनी अफीम दे देने के बाद भी जो ये खेती करने वाले हैं इनके पास अफीम बच जाती है और वो ब्लैक मार्केट में बिकने के लिए आ जाती है। और फिर जब इस अफीम की एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं स्मैक बनाने के लिए एसिटिक एनहाइड्रेट से, और उससे कई रिएक्शंस की बहुत सी प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो है स्मैक बनती है। स्मैक जो है डाई एसिटाइल मॉर्फीन होता है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो डाई एसिटाइल मॉर्फीन होता है। तो इसमें दर्द निवारक गुण जो है वो बहुत अच्छा होता है और ये नशे के लिए इस्तेमाल होने लग जाता है। पर इसकी जो स्मैक अफीम की किसी भी तरीके से बेचना जो है, स्मैक बना करके या डोडा पोस्ट बना करके या किसी भी अन्य तरीके से बेचना, भारत सरकार के कानून के हिसाब से गैर कानूनी होता है। तो अब जो इनका क्या असर पड़ता है हमारे शरीर पर अफीम का, तो एक बार मान लो किसी ने अफीम ली तो उसका कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट होंगे, तुरंत उसके जो क्या प्रभाव पड़ेगा, एक तो उसको सेंस ऑफ यूफोरिया होगा, मतलब उसको अच्छा लगने लग जाएगा, मन उसका खुश रहने लगेगा। एक बार यूँ लगेगा कि मन खुश हो गया है, बहुत अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है। एक तो ये इफेक्ट आएगा जब व्यक्ति पहली बार या दूसरी बार अफीम लेता है तो, ठीक है। एक रिलैक्सेशन फील होता है उसको बॉडी के अंदर कि आराम आ गया शरीर के अंदर, किसी भी तरह का शरीर में कोई जकड़न तनाव टेंशन कुछ भी नहीं है, रिलैक्स हो गई है बॉडी, कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा है, ठीक है। तो ये दर्द नहीं महसूस होता, ये ही दो प्रमुख कारण हैं दोस्तों इस अफीम के नशा
जो है हो जाने का। एक तो सेंस ऑफ यूफोरिया, मतलब मन को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होना, अच्छा महसूस होना, और दूसरा रिलैक्सेशन महसूस होना। ये कौन नहीं चाहेगा, हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, हर व्यक्ति रिलैक्स होना चाहता है। और जैसे ही वो एक बार अफीम लिया, दो बार अफीम लिया, उसे ये चीज़ें मिलती है। जब मिलती है तो उसे ही वो बार बार मोटिवेट होता है इसे फिर से लेने के लिए। हमारी बॉडी के अंदर रिवार्ड सिस्टम होता है, खुशी के लिए एक सिस्टम होता है रिवार्ड सिस्टम। जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है उसको देखते ही वापस रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वापस से उसको लेने की इच्छा होने लग जाती है। इसके अलावा इमीडिएट इफेक्ट में जो है व्यक्ति को उसमें हार्ट रेट जो है अफीम लेने पे धीमे हो जाती है, सांस की गति जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी धीमे हो जाती है। तो एक व्यक्ति जो है वो रिलैक्स फील करने लगता है अपने आप को, और कब्ज भी हो जाती है उस व्यक्ति को। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट हुए अफीम लेने के। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट की। जब कोई व्यक्ति लगातार काफ़ी टाइम तक स्मैक या अफीम ले ले तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होगा, उस व्यक्ति को आदत पड़ेगी, उस खुशी को पाने के लिए वो अफीम ही लेगा, उसको आदत पड़ जाएगी, लत पड़ जाएगी उस नशे की। दूसरा, उसकी सेक्सुअल पावर जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, सेक्सुअल कमजोरी उसको आ जाएगी। लॉन्ग टर्म लेने पे ये नुकसान होंगे। तीसरा, उसको जो है टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी। टॉलरेंस के बारे में हम आगे एक और वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम विस्तार से बताएंगे टॉलरेंस क्या होता है। शॉर्ट में समझे तो उसे अफीम की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। जैसे जैसे वो लंबे समय तक अफीम लेता जाएगा उसे हर बार अफीम की हर थोड़े दिनों में मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं अफीम के या स्मैक के लेने के। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में समझा कि हमें स्मैक या अफीम कहाँ से मिलती है और इसका हमारे शरीर पर क्या असर होता है, क्यों इसको लोग ले रहे हैं, रिलैक्स होने के लिए, खुशी महसूस करने के लिए, आनंद महसूस करने के लिए, वेल बीइंग, सेंस ऑफ वेलफीइंग या यूफोरिया महसूस करने के लिए इसको लेते हैं। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के द्वारा इस स्मैक का प्रभाव हमारे शरीर पर समझ पाए होंगे। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।